कला मंच कला व कलाकारांना समर्पित। कला ही ईश्वरी देणगी असली तरी साधना मानवीच असते। साधनेतून कलाकार घडतो। विविध सुंदर कला सादर करणाऱ्या कलाकारांविषयी आमच्या मनी असलेल्या आदराच्या भावनेतून तरुण भारतचे कलामंच हे कला व कलाकारांसाठी समर्पित नवे व्यासपीठ नवोदित व अनुभवी कलाकारांच्या कार्याची परिश्रमाची साधनेची व अनुभूतीची समाजाला वृत्तपत्र व सोशल मीडियाद्वारे ओळख करून देईल। सामान्य जनतेला त्यातून प्रेरणादायी व उद्भूतक असे मार्गदर्शन लाभेल। कलाकाराला मनोगत व्यक्त करता येईल। कलेच्या विकासाला पूरक ठरणाऱ्या या उपक्रमाला आपले हार्दिक सहकार्य अपेक्षित आहे। धन्यवाद। कलाकारांनी आपली कला आणि साधना समाजासमोर मुलाखतीद्वारे मांडण्याची संधी आमच्या तरुण भारत सोशल मीडियाद्वारे करून देत आहोत। तरी 9379777388 या क्रमांकावर संपर्क साधा। प्रत्येकामध्ये कोणती ना कोणती कला ही दडलेलीच असते। आमच्या तरुण भारतच्या कलामंच्या कार्यक्रमातून आम्ही कलाकारांना उत्तेजन व त्यांच्या कला समाजासमोर मांडण्याची संधी देत आहोत। निरनिराळे वाद्य वाजवण्यामध्ये पारंगत असलेले संगीतकार साजिद खलीफा हे आज आपल्यासोबत आहेत। त्यांचा 35 वर्षांचा संगीतमय प्रवास कसा होता हे आज आपण जाणून घेणार आहोत। चला तर मग त्यांच्याशी बातचीत करूया। सर, तुम्हाला संगीत या क्षेत्राची आवड कशी निर्माण झाली? ये हमारे फॅमिली से चलते आ रहा है और खानदानी है तो फिर हम लोग को सीखना ही पड़ा। फिर परंपरा रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमारा ये हम चाहते हैं कि हमारा इतिहास संगीत में रहे। सर, वयाच्या कितव्या वर्षापासून तुम्ही संगीत शिकायला सुरुवात केली? मैं 4 साल का था तब से चालू हो गया। 7 साल की उम्र में स्टेज पे गया। फिर अभी 40 एज है, हो गया 33 तक हो गया प्रैक्टिस। फिर भी लगता है कि थोड़ा कम है, अभी सीखना है। असं कोणतं इंस्ट्रूमेंट होतं जे तुम्ही फर्स्ट वाजवायला सुरुवात केली म्हणजे लहान असताना? मैं फर्स्ट सीखा जॅझ ड्रम। मतलब बहुत इंटरेस्ट था जॅझ ड्रम सीखने का। फिर 4 साल में प्रैक्टिस चालू किया। फिर 8 साल में एकदम हो गया प्ले करने के जैसा। फिर स्टेज पे जाने लगा तो मेरे लाइफ का फर्स्ट जो रिदम है वो है ड्रम, जैज ड्रम। उसके बाद में सारे इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली सीखने लगा। कितनी वाद्य वाजवू शकता सर? अभी मैं 35 के करीब इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ। जो भी दो हाथ में बज जाता है, मतलब पता चल जाता है कि ये उसका रूट ये है, यहाँ से शुरुआत होती है। फिर बस देख लेने से वो बोल देता है कि मैं यहाँ से शुरू होता हूँ। आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? मतलब आप कब प्रैक्टिस करते हो, क्लासेस वगैरह कुछ लेते हो क्या? सुबह तो मेरा 7 बजे क्लास चालू हो जाता है, 1 घंटा मैं प्रैक्टिस करता हूँ। फिर 8 बजे से शुरू हो जाता है क्लास, रात में 9 बजे तक बच्चे लोग को सिखाता हूँ। करीबन 50 बच्चे आते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर आते हैं, कीबोर्ड, वायलिन, फ्लूट, सरोद, सितार, जैज़ ड्रम, कॉन्गो, पैड, जिम्बे, सब ऑल इंस्ट्रूमेंट, अकॉर्डियन आते रहते हैं। उनके साथ में सिखाते सिखाते अपने को भी सीखने को मिलता है, अच्छा लगता है। बच्चे आजकल म्यूज़िक में जाएंगे तो हमको इंटरेस्ट लगता है कि हाँ भाई इसको इंटरेस्ट है,
अगर उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा दिखने लगा तो हम ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। आजकल के बच्चे क्या है, क्रेज़ हो गया है म्यूज़िक का, बिना म्यूज़िक के तो लाइफ ही नहीं है। अगर म्यूज़िक लाइफ में है तो समझने उसकी बॉडी भी एकदम हेल्दी है, म्यूज़िक के बिना लाइफ अधूरी है। तुम्ही तुमची संगीताची कला म्हणजे कोणकोणत्या ठिकाणी सादर करता? पहले तो हम लोग का ब्रास बैंड था, एम इसाक ब्रास बैंड कंपनी, मतलब बेलगाम में सब में सीनियर बैंड कंपनी, मतलब जितने भी बेलगाम के बैंड है सब हमारे डैडी और दादाजी के स्टूडेंट्स हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पे स्टेज पे जाने से प्लेयर बनता है, ऐसा नहीं होता है। पहले बैंड में बजाना पड़ेगा, बाद में स्टेज पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो रास्ते पे बजाने वाला होता है वो सक्सेसफुल होता है। स्टेज पे बजाने वाला होता है क्या होता है, स्टेज पे बजाएगा, रोड पे नहीं बजाएगा। रोड वाला इंसान स्टेज पे आराम से बजाएगा। जितने भी फिल्म में बजाते हैं लोग सारे के सारे ब्रास बैंड वाले होते हैं, इसके लिए इतना पावरफुल बजाते हैं। ऐसे नहीं कि बैंड में बजाने से छोटा होता है, बैंड में बजाने से सक्सेस होता है। उसके बाद क्या होता है, ब्रास बैंड बोले तो क्या होता है कि वहाँ पर मिलता है कुछ, क्योंकि अलग अलग लोग पास में आके ठहरते हैं, स्टेज पर कोई नहीं आता। तो रोड पे जो बजाता है आदमी या बंदा है ना, एकदम परफेक्ट प्लेयर होता है और अच्छा भी सीख लेता है। आजकल क्या है, रोड पे बजाने लोग को समझते हैं कि यार बैंड कम नहीं है क्या, ऐसा नहीं होता है। बैंड इज़ बैंड, क्योंकि ब्रास बैंड मतलब क्या होता है, ब्रास बैंड का मतलब ही है ना ब्रास, 1500 लोग 600 लोग का ब्रास बैंड होता है, मास्टर एक ही होता है, मगर उसमें क्या होता है अपना टैलेंट बताना पड़ता है। अभी स्टेज पर क्या है, थोड़ा बजा दिए एक जगह पर बैठ दिए, ऐसा नहीं होता है ब्रास में, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है ब्रास बैंड में। कोणत्या वयोगटातील स्टूडेंट तुमच्याकडे येतात? अभी मेरे पास 6 साल से लेके 75 इयर्स तक आते हैं। अब 75 वाले के साथ में 75 के जैसा सिखाना पड़ेगा, 6 साल की उम्र के हिसाब से बच्चे के जैसा सिखाना पड़ेगा। तो लगता है कि लोगों को क्या लगता है कि म्यूज़िक आसान है, मगर आसान नहीं है, टफ है, प्रैक्टिस करने से आ जाता है। ऐसे नहीं कि 6 साल का बच्चा है कैसे सीखेगा, अगर उसके अंदर इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिक सीखेगा। और ये जो 75 वाले हैं, लोग बोलते हैं कि एज होने के बाद हम कैसे सीखेंगे, शरीर बूढ़ा हो जाता है, हार्ट कभी भी स्ट्रांग रहता है, कभी भी सीख सकते हैं। तुम्ही हे क्षेत्र निवडलं संगीताचं, मग तुम्हाला कोणकोणत्या अपॉर्च्युनिटीज आल्या या क्षेत्रातून? पहले तो मैं जब सीखा तब मेरी एज हो गई 15 साल की हो गई, तो वह फर्स्ट मुझे नेवी के लिए सिलेक्ट किए कि ड्रमर बन के आओ। तो हमारे डैडी बोले नहीं कि तुमको यहीं सिखाना, यहाँ सीखना है, फिर लोगों को सिखाना है। तो हम लोग क्या किए, डैडी के बातों पे चले गए, क्योंकि एक खानदानी अगर हम अकेले बाहर चले जाएंगे तो फिर दूसरों को कौन सिखाएगा। तो हम दूसरों के लिए हम लोग यहाँ पे बेलगाम में सेट हो गए, तो खानदान से आया है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि चांस तो बहुत आ गया बाहर जाने का, डैडी भी फिल्म में बजाते थे, फिर हम लोग डैडी के साथ चले गए बॉम्बे, बॉम्बे में रहे हम भाई, सारे भाई प्लेयर लोग हैं। फिर डैडी बोले नहीं अपन अभी बेलगाम जाएंगे, तो अपन बेलगाम में आए। फिर उसके बाद में बेलगाम में म्यूज़िक फिर आगे बढ़ाने लगे कि हम अच्छे आ रहे हैं, इनको सिखाओ। आता तुम्ही सांगितलं की तुमचे वडील म्हणजे मूवीमध्ये पण संगीत त्यांनी दिलेलं आहे, मग ते कोणत्या फिल्ममध्ये असं सांगू शकता का? अभी हमारे डॅडी तो वो हम पिक्चर में बजायले, बहुत सारे पिक्चर में बजाए, मगर वो जो पेपर जो रहता है म्यूज़िक का कार्ड रहता है उसके ऊपर मूवीज़ का नाम नहीं रहता। बहुत सारे साइट में बहुत बजाए, मैं भी बजा चुका हूँ, कम से कम 60-70 एल्बम में बजा हूँ, कोकनी, चैन्या चेराती, मोगा मंगरूड़ा, ऐसे गोवा के एल्बम में ज़्यादा बजाते हैं हम, क्योंकि गोवा के एल्बम में क्या होता है ब्लोइंग ज़्यादा चलता है और गोवा में ब्लोइंग का बहुत डिमांड है। अभी हमारे बेलगाम में उतना नहीं है, हम चाहते हैं कि बेलगाम में भी ब्लोइंग का डिमांड ज़्यादा हो, हर कोई सीखे। आताच्या नवोदित कलाकारांसाठी तुमचा काय मेसेज आहे? आजकल के बच्चे क्या है, कोई भी एक्टर को देख लेते हैं कि वो गिटार बजा रहा है, वो गिटार तो नहीं बजाता बस एक्शन करता है। आजकल के बच्चे क्या समझते हैं कि वो गिटार बजा तो हम भी बजाएंगे, तो आ जाते हैं जोश जोश में। जब गिटार प्रेस करने की बारी आती तो पता चल जाता है कि गिटार इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो क्या है, बच्चे लोग क्या समझते हैं इसको, एक एक बच्चे होते हैं शाइनिंग करने के लिए, चमकने के लिए, सामने वाले को दिखाने के लिए सीख लेते हैं, मगर वो ज़्यादा दिन नहीं सीखते। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो दिन लगा के सीखते हैं। आजकल क्या है, गिटार वायलिन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट से बोलता हूँ कि सीखने वालों से इंटरेस्ट लेके सीखे, ऐसे नहीं कि सिर्फ टाइम पास के लिए सीखे। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है ना, अगर हम सही तरीके से सीखेंगे ना तो समझ लो कि वो उसके दिमाग में ऐसा गलत ख्याल कुछ भी नहीं आएगा, बस म्यूज़िक में रहेगा। आजकल लड़के लोग क्या है, थोड़ा सीख लेते हैं, एक गाना बजाने आ गया तो समझ लेते हैं कि मैं बहुत कुछ बजा लिया, मगर ये गलत है। सीखना तो पूरी ज़िंदगी लगाएंगे तो भी उसमें कम लगता है हमको संगीत।
तुम्ही सांगितलं की तुम्ही 33 वाद्य वाजवू शकता, मग त्याच्यातले असे कोणते वाद्य आहेत जे लवकरात लवकर म्हणजे स्टुडंट शिकू शकतील आणि कोणते असे म्हणजे डिफिकल्ट आहेत? देखो, सब में जल्दी सीख सकते हैं, खंजरी बजाना सीख सकते हैं, टाइमिंग, पहले टाइमिंग। इंस्ट्रूमेंट में सब में ज़्यादा टफ जो है वायलिन, उसको हम लोग म्यूज़िक में मदर बोलते हैं, वायलिन को। वायलिन के बाद ही हर इंस्ट्रूमेंट आया। एक वायलिन होता है, सेकेंड ट्रम्पेट होता है और पियानो, क्योंकि जो ट्रम्पेट होता है वो इंस्ट्रूमेंट में इसको किंग बोलते हैं, सब में टफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि पहले वार के टाइम वो बिगिल बजाया जाता था, तब पता चल जाता कि अभी वार स्टार्ट होने वाला है, तो इसको बिगिल बोलते हैं, तो ट्रम्पेट बोलते हैं उसको। जो वायलिन जो है मदर इंस्ट्रूमेंट, इसको फ्रेडबोर्ड नहीं है, जैसे कि गिटार को फ्रेडबोर्ड है। अब मैं बता दूंगा, गिटार अब बॉक्स फ्रेडबोर्ड में प्रेस करो, वहाँ पे आवाज़ आएगा, वायलिन में ऐसा नहीं होता है। अगर उसको इतना सेंटीमीटर भी रखेंगे, चेंज करेंगे, तो इसके नोट चेंज हो जाता है, फ्लैट शार्प, क्योंकि वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट ऐसी है कि डाउटफुल इंस्ट्रूमेंट है, वो उसका नोट परफेक्ट नहीं है, अब लोगों को परफेक्ट बनाना पड़ता है वायलिन, इसके लिए इसको मदर इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। संगीत तुम्ही शिकायला 4 वर्षापासून सुरुवात केली, मग तुम्ही असं म्हणजे कुठले क्लासेस किंवा काय केलेलं आहे की तुम्ही तुमच्या वडिलांकडूनच शिकलेलं आहे? हम तो असल में बाहर गए नहीं, हम लोग दादाजी, फर्स्ट मेरे उस्ताद दादाजी है मेरे, फिर वो उनका नाम एम इसाक करके है, तो इसाक के नाम से मेरे म्यूज़िक क्लास चलता है, फिर मेरे डैडी के पास सीखा मैं। तो हम लोग कैसे सीखे, यूनिवर्सिटी है लंदन में, ट्रिनिटी कॉलेज करके, तो हम लोग उसका मेथड चल रहे, फिर हम लोग फर्स्ट मेथड किए, सेकंड एग्ज़ाम दिए, थर्ड एग्ज़ाम दिए, अभी मेरा 7th एग्ज़ाम होके अभी 8th को मैं जा रहा हूँ। असे आम्ही किती एग्जाम देऊ शकतो, म्हणजे आता तुम्ही 8th एग्जाम देणार, असे किती एग्जाम्स असतात? हर ग्रेड, हर इंस्ट्रूमेंट के ग्रेड्स होते हैं, 9 ग्रेड, कोई भी दो आप, 9 ग्रेड होते हैं। अगर आप उसके ऊपर आगे जाना चाहते हो मास्टर ग्रेड, तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मतलब बहुत क्या, ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। तुमची संगीताची कला म्हणजे कोणकोणत्या ठिकाणी सादर करता? अभी मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन में चले गया, सर्कस लाइन में करीबन मैं 10 साल बजाया, सर्कस मतलब जेमिनी सर्कस, रैम्बो सर्कस, जंबो सर्कस, रॉयल सर्कस। तो सर्कस में बजाने से भी आदमी एकदम स्ट्रांग होता है, क्योंकि 9 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ता है, डेली 3 घंटे का शो होता है, नॉन स्टॉप 3-3 घंटा बजाना पड़ता है, उसके साथ में टोटली 9 घंटा हम लोग स्टेज पे बजाते थे, तो हार्ड वर्किंग हो जाता है, फिर अच्छे प्लेयर बन जाते। तो मैं सर्कस में 10 साल बजाया, तो ऐसा इंडिया तो पूरा मेरा ख़त्म हो गया शो कर करके, नेपाल गया, कलकत्ता गया, पंजाब में मैं 2.5 साल था शो के लिए, मतलब अभी शारजा चले गया, शारजा एक ही बार गया फॉरेन कंट्री, उसके बाद में हमारा इंडिया ही ठीक है संगीत के लिए। तुमच्याकडे जे कलाकार संगीत शिकायला येतात ते कोणत्या उद्देशाने येतात? अभी क्या है, आजकल JNMC भी म्यूज़िक थेरेपी करके चालू कर रहे हैं, मतलब म्यूज़िक थेरेपी क्या है, आदमी का माइंड एक लेवल रहता है म्यूज़िक थेरेपी से, तो क्या है, म्यूज़िक थेरेपी ऐसी चीज़ है ना कि
एज तो नहीं, एज आप कभी भी सीख सकते हैं, एज का कुछ मतलब ही नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हैं। म्यूज़िक से क्या होता है मालूम है, हम लोग के राइट एंड लेफ्ट दो माइंड होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड पे जोर डालते हैं। अभी अगर वही चीज़ अपन लेफ्ट हैंड पे जोर डालेंगे तो आप राइट हैंड से कुछ भी कर नहीं सकते, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से कर सकते। तो म्यूज़िक से क्या है, दोनों माइंड एक साथ चलते हैं, तो आदमी की सोच हेल्थ करेक्ट लेवल चलती है। उसके साथ साथ में क्या होता है, म्यूज़िक से क्या होता है, अभी देखो आप कहीं तो जा रहे, अपने फैमिली के साथ कहीं जा रहे, तो एक गांव में एक गाना लगे रहता है हल्का सा, आपका माइंड इमिजिएटली वहाँ जाता है, क्योंकि बॉडी में भगवान ने ऐसी चीज़ बनाया है, उसके अंदर एक नर्व बनाया है ब्रेन के अंदर, तो वो काम क्या करती, खाली म्यूज़िक कैच करती, अच्छी जो चीज़ है उसको कैच करती, ख़राब चीज़ है उसको कैच नहीं करती। अगर आप सॉफ्ट गाना सुन रहे तो आप रिलैक्स होते, अगर आप डीजे वाला हैवी सुनेंगे तो आप बोलेंगे पहले बंद करो। तो म्यूज़िक से क्या होता है, आदमी का जो बॉडी का जो लेवल होता है करेक्ट चलता है। और वैकेंसी आता है मेरे पास आर्मी का एयरफोर्स का, क्योंकि ब्रास के लिए वैकेंसी आता है, तो सर्टिफिकेट मेरा ही चलता है, तो हमारे दादाजी के नाम से चलता है सर्टिफिकेट। अभी मेरे करीबन एक 20-25 आर्मी में बंदे होंगे मेरे, जो मेरे पास सीखे, नेवी में है एयरफोर्स में है, क्योंकि कोई कोई आता है बंदा कि मुझे वैकेंसी आए 1 महीने में आप मुझे ट्रेन करो, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि क्योंकि हम अच्छा सिखाएंगे तो उधर जाने के बाद में बजाना चाहिए बंदा, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बजाए तो उसमें क्या हमारा नाम ख़राब हो जाता है। हम लोग बोलते हैं कि पहले अच्छे सीखो बाद में वैकेंसी जाओ। तो मेरे पर अभी मेरे क्लास के बच्चे करीबन 50-60 गवर्नमेंट में है। तुम्ही आमच्या कलामंचा कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालात व आपल्या कलेबद्दल म्हणजे संगीताबद्दल खूप सारी माहिती दिली आम्हाला व आमच्या प्रेक्षकांना, त्याबद्दल तुमचे खूप धन्यवाद। आपने हमको बुलाया संगीत के बारे में पूछने के लिए, हम आपके आभारी हैं। माय सेल्फ आर अर्पिता और मैं एम मिसाक म्यूज़िक क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं 2 साल से सीख रही हूँ। पहले 1 ईयर गिटार प्ले करती थी, बाद में म्यूज़िक थेरेपी में फ्लूट का ट्रेंड चलने लगा तो मुझे फ्लूट प्ले करने का बहुत शौक आया। तो उसमें पीस ऑफ माइंड रहता है ऑलवेज म्यूज़िक में, तो इसलिए मैं म्यूज़िक अभी तक क्विट नहीं करी हूँ। अभी आगे भी सीखने का है। तब सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, उनका जो नॉलेज है उसमें हमको इतना भी नहीं आता है उनका उतना, मतलब वो बचपन से इतना प्रैक्टिस करते आया है। सर हमेशा बोलते हैं कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा निकलेगा। साजी सरांकडे मी 3 महिन्यापासून शिकायला आलो आहे। ॲक्च्युली मला म्युझिकमध्ये आधीपासूनच इंटरेस्ट होतं, खरं नंतर कळालं की साजी सरीकडं क्लास घेतात म्हणून, मग आता 3 महिने झाले मी त्यांच्याकडे क्लासला आलो आहे। फार छान शिकवतात त्याने आणि आता ते जर जास्त इंटरेस्ट आला आहे, त्याने तेवढं चांगलं शिकवतात आणि आवड आहे म्युझिकची मला। मेरा नाम सूरज शर्मा है, नेपाल से हूँ। मैं 4 महीने से इधर गिटार सीखने को आ रहा हूँ साजिद सर के पास। अभी मेरे को म्यूज़िक पसंद है इसलिए मैं आया। सिंगर बनना चाहता हूँ इसलिए गिटार सीख रहा हूँ। अभी सिंगिंग के भी प्रैक्टिस हो रहा है मेरा इसलिए।
परत सोशल मीडियातर्फे शाल श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन संगीतकार साजिद खलीफा यांचा सत्कार करण्यात आला. आपल्या बालकांच्या भविष्यासाठी लाभदायी बाल भविष्य योजना 99 महिन्यात मिळवा 1,00,000 चे 2,50,000. कमीत कमी गुंतवणूक रुपये 10,000, जास्तीत जास्त गुंतवणूक रुपये 2,00,000, गुंतवणूक फक्त रुपये 10,000 पटीत. लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, www.lokmanyasociety.org, टोल फ्री नंबर 1800212 4050, फोन नंबर 08312407078. सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगाम न्यूज चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा.